नमस्कार, मैं स्वाति, एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जबलपुर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 811वें उर्स के मौके पर पप्पू वसीम खान मकसूद अहमद जी ने बताया कि विगत 25 वर्षों से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज शरीफ के दरगाहों में जाते हैं। शहर, प्रदेश व देश की अमन चैन और सुख शांति की दुआएं हम सब वहां गंगा जमुना की तस्वीर की पेशकश करने के लिए हम वहां उपस्थित होते हैं कि निगरानी में चांद की 1 तारीख को रवाना हुआ। इस अवसर पर आपके चाहने वाले सभी बंधु मित्र ने मुख्य रेलवे स्टेशन पर एकत्रित होकर एक दूसरे का स्वागत कर उनको जायरीनों का इस्तकबाल। सर गुप्ता उस्मानी गुड्डू नबी राजा खान हसीम शशांक यादव अशरफ खान सिरजी के द्वारा किया गया। एमबीसीडी 24 न्यूज एक्सप्रेस जबलपुर से संभागीय ब्यूरो चीफ सम्यक एक्सप्रेस से राजकुमार यादव की रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी जो गरीब नवाज की बारगाह में 811वें उर्स के मौके पर गरीब नवाज की बारगाह में एक जत्था रवाना हो रहा है दयोदय एक्सप्रेस से, उस शहनशाह की बारगाह में जा रहे हैं जिसकी सारी दुनिया और सारा हिंदुस्तान इसका बोलबाला है और सारी दुनिया में उनका नाम है कि चिराग बुझ। इस शेर के माध्यम से मैं सारी बात कह दे रहा हूँ कि चिराग बुझ गए कितने यहाँ अमीरों के, चिराग बुझ गए कितने यहाँ अमीरों के, तेरा चिराग हमेशा जले गरीब नवाज, तेरा चिराग हमेशा जले गरीब नवाज। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सर कितने सालों से आप जा रहे हैं? मुसलसल 25 सालों से, जिसमें हमारे भाई छोटे भाई गुड्डू नबी भी हमारे साथ में बराबर हर छठी में और हर साल उर्स में। ये 26वां 27वां साल है हम लोगों का कि हर साल उर्स में जो हम लोग का जाना होता है और फाया साहब में तमाम दुनिया से लोग आते हैं बड़े खुलूस और इखलाक के साथ, मोहब्बत के साथ, गंगा जमुना तहजीब के साथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो वहाँ पे मोहब्बत के साथ मिलते हैं और उर्स मनाते हैं, मेले में घूमते हैं और फैजयाब होते हैं। सर अपना पर्चे देंगे पप्पू वसीम खान नया चिचरा आवाज। कुछ लोगों को आपने स्वागत वगैरह किया, क्या अवसर था? ऑप्शन था आज अताए रसूल हिंदी सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह का 811वां का उर्स का शुरुआत आज 1 तारीख है आज से शुरू हो गई, जिसका आज आगाज जौनपुर से दयोदय एक्सप्रेस से जायरीनों का एक जत्था खाली जना पप्पू वसीम खान जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री में अजमेर की जारत के लिए जा रहा, जिसमें ये लोग दुआएँ मांगेंगे सरकार की नवाज से, हिंदू सरकार से कि हमारे शहर में, हमारे देश में हम अमान रहे, किसी प्रकार की बीमारी रहे, सब चारों तरफ खुशहाली रहे, कहीं धर्म का भेदभाव ना रहे, क्योंकि सूफियों के दरबार ये सब चीज़ों से मुक्त रहता है। सारे धर्मों के लोग इनकी ज्यारत करते हैं, इनकी हाजिर लगाते हैं, उनसे फैल पाते हैं। इसी को मुबारकबाद हम लेने आए थे आज हमारे समाज से भी बड़े भाई पप्पू वसीम खान साहब, सबको जानते हैं।